हशमतुल्ला को कॉल्स, वो मैंने की थी समीन बनकर। कल रात फोन पे पूरा प्लान डन किया था कि किसी अच्छे होटल में मुलाकात करेंगे। अब इतने लोगों का भेजा था, मुलाकात तो बनती थी ना। ये झूठ बोल रहा है। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। क्या कहा आपने वकास से कि मैं उससे खुला ले रही हूँ, उसके साथ नहीं रहना चाहती? क्या, किसने कहा खुला का? अम्मी ने कहा, उसे कहा कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, खुला चाहती हूँ। और बिना जाने क्या क्या कह रही थी उसे। हम दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है ये। रूमी, बकवास बंद करो। क्या आपने कमरे में? चुप रहो। क्या रूमी? हाला नहीं हूँ मैं जिसके ऊपर आप कोई भी इल्जाम लगाएंगी और सारे आपके पीछे लग जाएंगे। तुम कौन से इल्जाम की बात कर रही हो रूमी? कुछ भी नहीं हमजा, ये बकवास कर रही है। हाला ने नहीं की थी हशमतुल्ला को कॉल्स, वो मैंने की थी समीन बनकर। और अम्मी ने मुझे बचाने के लिए हाला पर इल्जाम लगा दिया। साली, सारी दुनिया के सामने थप्पड़ मार के चली गई, अपने यारों को इकट्ठा करके पिटवा दिया, तेरे इन मोहल्ले वालों को सामने इज्जत की दरवाजा ना निकालना, मेरा नाम बदल देना। भागती क्यों? कहाँ भागती? कल रात फोन पे पूरा प्लान डन किया था कि किसी अच्छे होटल में मुलाकात करेंगे। अब इतने लोगों को भेजा था, मुलाकात तो बनती थी ना। ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, घटिया बात कर रहा है। तुम मेरी बेटी के साथ ये तुम्हें कभी मुंह भी ना लगाए, इसका रिश्ता तय हुआ है। अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, एक एक घर का दरवाजा बजाकर बताऊंगा कि इस घर की शरीफ जादी ने एक मंगेतर रखा हुआ है और एक स्टैंड बाय में। बकवास बंद कर, चल निकल यहां से, चल। इसमें चलता होगा तेरा जोर मुझ पे नहीं, सब जानता हूं मैं। कैसे तो इसके लंदन में बैठे बाप की प्रॉपर्टी में सांप बना बैठा है। अरे इसी बात का दुखड़ा रोती थी फोन पे मुझसे, पिताई बहुत जालिम है, कुछ खाने को नहीं देती, दिन रात काम लेती, कटोगी इतना। किसने किया है ये सब? किसने किया? यही होगी, यही होगी, ये सारी बातें यही कर सकती है। मुझे बताएगा हो क्या रहा है? कुछ नहीं किया मैंने, मैंने तो उसको सलाम तक नहीं किया कभी, मैंने उसे कभी बात नहीं की, समीर उसको पढ़ने के मशवरे देती थी, मैंने नहीं किया। रूमी, रूमी से गालों की फरमाइश करती, बल्कि उसी ने सब कुछ किया होगा। उसने अपने प्रिंसिपल को झूठी कॉल भी की थी ताई जान बन के, उसी ने किया होगा। मुझे तो ये फोन भी इस्तेमाल नहीं करना। ये मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही है ना, मैं इसकी जान ले लूंगा। अब्बू खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, क्या हो गया आप लोगों को? ये लड़की अब घर में घुसाने के काबिल नहीं है। अगर इसकी जगह रूमी होती तब भी आपका फैसला यही होता। रूमी का नाम ले रहे हो, तुम पागल हो गए हो? कहां रूमी जैसी मासूम बच्ची और कहां ये? तुमने रूमी के लिए ऐसा सोचा भी कैसे हमजा? अल्लाह इंसाफ करने पर आए तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि रूमी खुद कबूल कर लेगी? मुझे माफ कर दो हाला, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? Thank you.
मैं तुम्हें माफ करूं। रईस भाई आप ठीक हैं? बैठिए प्लीज, प्लीज आप बैठिए। बहुत देर से सोच रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या गलत किया था मैंने। मेरी बेटी ने इतनी बड़ी हरकत की और मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन इसमें कसूर इसका नहीं है यार, इसका कसूर नहीं है। सारी जिंदगी उसकी मां इसे यही कुछ तो सिखाती रही, यही तरबियत तो दी है तुमने इसे। तुमने जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा होगा, इतना बड़ा कदम उठा रही थी और मेरे बारे में नहीं सोचा। ये सब कुछ रोमी के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता था। ये सारी साजिश रोमी ने ही की है और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने जब उसकी तरबियत करनी थी उस वक्त तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद करने तुली हो। गलती तुमने की है, तुमने मेरी बेटी को डोरी से बेल की तरह बांधना था। कैसी तरबियत की तुमने कि वो झाड़ से लिपट गई। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।